टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड इस वक्त आ पहुंचा है बद्रीनाथ धाम में। अलकनंदा के तट पर बनाया बद्रीनाथ धाम चार धामों में से एक है और यहां पर हर दिन तमाम लोग देश विदेश से आते हैं। टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड की कोशिश है कि इसकी छटा आप तक पहुंचाएं, आप भी देखें बद्रीनाथ धाम को। जो यहां नहीं आ पाए हैं वो कोशिश करें आने की, और जो कोशिश में है या जो देख चुके हैं वो एक बार अपनी यादों को ताज़ा कर लें। मंदिर के किनारे तमाम दुकानें हैं जो पूजा सामग्री, तमाम दूसरी चीज़ें, माला हार इत्यादि बेचती हैं, और तमाम लोग इस मंदिर के आसपास रहते हैं। एक अजीब सी, एक अलग सी शांति मिलती है इस मंदिर के पास आके। अगर हम ऊपर देखें तो बादलों से पहाड़ियाँ इस वक्त घिरी हुई हैं, एकदम बारिश जैसा माहौल है, बारिश जैसा मौसम है। लेकिन उसके बीच में अगर बद्रीनाथ धाम को देखते हैं तो यकीनन दिल खुश हो जाता है। चलिए, दरवाजा है बद्रीनाथ धाम का और यहाँ से आगे जाने का रास्ता हमें मिलता है। हम देख सकते हैं हम कितना नजदीक है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के अंदर फोटोग्राफी करने या फोटो उतारने की मनाही है, लेकिन बाहर जितना हम देख सकते हैं उतना आपको पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और अब यहां से देखिए मंदिर और उसके बाद शोर मचाती हुई अलकनंदा की छटा। रास्ता बद्रीनाथ धाम को जाता है और अगर इस तरफ देखें तो यह रास्ता तप्त कुंड की तरफ जाता है। यहाँ लोग गर्म पानी में स्नान करते हैं जो जमीन से निकलता रहता है। तो एक तरफ बादलों से ढकी हुई चोटियाँ और दूसरी तरफ हम इस वक्त बद्रीनाथ मंदिर के ठीक गेट पर हैं। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की छटा, ऊपर शंख है, चक्र है और भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का ये गेट है जहाँ से प्रवेश करके लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की कहानी की। इस मंदिर की कहानी यह है कि त्रेता युग में जब भगवान नारायण तपस्या करने के लिए यहाँ हिमालय में आके बैठे तो काफी वक्त उनको यहीं पर लग गया। भगवान विष्णु को इतना वक्त लग गया कि उनके ऊपर बर्फ जम गई, और जब माँ लक्ष्मी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने यहाँ पर आकर एक बेर के पेड़ का रूप लिया और उनके ऊपर छाया कर दी। लंबी तपस्या के दौरान भगवान के ऊपर की बर्फ हट गई और वो लगातार तपस्या में लीन रहे, लेकिन इस दौरान माँ लक्ष्मी का बदन इस बर्फ के प्रभाव से काला पड़ गया। जब भगवान की तपस्या टूटी तो उन्होंने कहा कि वो माँ लक्ष्मी की तपस्या से प्रसन्न है। दरअसल पूरी तपस्या का फल तो माँ लक्ष्मी को मिल गया, लिहाजा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से पहले उनका ही नाम लिया जाएगा। संस्कृत में बद्री का मतलब बेर होता है और माँ लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का स्वरूप लिया था, लिहाजा इस धाम को बद्रीनाथ धाम कहा जाने लगा। बद्रीनाथ मंदिर के बगल में मौजूद इस धाम के ठीक बगल में ये आदि केदार का मंदिर है। कहते हैं केदारनाथ भगवान की पहली मूर्ति, पहली जगह यही हुआ करती थी। तब तो कुंड से उठती हुई भाप और उसके ठीक सामने भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आप सबके लिए लाया है। इस मंदिर के दर्शन कीजिए। हमारे हाथ में होता और इस बात की अनुमति होती कि हम अंदर तक दिखा सकते हैं तो टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड जरूर दिखाता, लेकिन इस मंदिर की आभा, इसकी छटा अपने आप में निराली है। दर्शन कीजिए भगवान बद्रीनाथ के धाम के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड को और देखते रहिए टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड।